हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, बीसीसीआई के शेड्यूल के हिसाब से 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में हमें आईपीएल 2020 खेलते हुए देखने को मिलने वाला है। लेकिन आईपीएल 2020 के रिगार्डिंग बीसीसीआई के सामने लगातार काफ़ी सारी बुरी खबरें निकल कर आ रही हैं, और ये बुरी खबरें और भी ज़्यादा बुरी हो जाती हैं जबकि वो कोविड-19 से रिलेटेड हो। और ऐसी ही बुरी खबरें निकल कर सामने आई है जहाँ पर दो बड़े प्लेयर्स, दो बड़े व्यक्ति एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से अब बीसीसीआई के ऊपर एक बार फिर से आईपीएल 2020 को पोस्टपोन करने का खतरा मंडरा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन से दो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और किस तरह से अब सिचुएशन आगे प्रोसीड करने वाली है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब कुछ दिन पहले ही जब सारी फ्रेंचाइज की टेस्टिंग हुई थी तो वहां पर हमें देखने को मिला था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में टोटल 13 मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें शॉकिंग चीज ये थी कि दो बड़े प्लेयर्स यानी कि दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इस बार सीएसके के लिए हमें डेब्यू करते हुए नजर आने वाले थे, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, और उनके अलावा 11 मेंबर्स भी हमें पॉजिटिव देखने को मिले थे। और उसके बाद सीएसके की वजह से आईपीएल के शेड्यूल में काफी ज्यादा देरी हो गई थी, और इसके साथ ही बीसीसीआई ने सारी फ्रेंचाइज को वार्न भी किया था कि वो लोग अब इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर कोई भी प्रोटोकॉल्स को यहां पर सीरियसली नहीं लेता है या फिर बायोसिक्योर बबल को सीरियसली नहीं लेता है तो उसके अगेंस्ट यहां पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली उसको आईपीएल 2020 से बाहर भी कर दिया जाएगा। लेकिन गाइज, इन सब डिटेल्स के बावजूद अब गलती बीसीसीआई के एंड पे ही हो चुकी है, जहां पर जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम होती है जो कि हर फ्रेंचाइज के पास जाकर उनके टेस्ट ले रही थी, उनकी मेडिकल सुविधाओं का ख्याल रख रही थी, और इवन कोविड-19 के टेस्ट भी उनके ले रही थी, उनकी मेडिकल टीम में ही एक व्यक्ति यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से कोविड पॉजिटिव है, और उनकी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि इनको यहां पर अब जल्दी से जल्दी आइसोलेट करना जरूरी था, तो इनको आइसोलेशन में रखा गया है, और इनके साथ जो भी इनके मेडिकल टीम मेंबर्स थे जो कि बाकी टीमों के पास जा रहे थे, उनको भी अब यहां पर 2 से 3 टेस्ट के बीच में गुजरना होगा। लेकिन गाइस, जो सबसे अजीब चीज यहां पर हमारे सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि दो ऐसी बड़ी टीमें हैं जिनके साथ ये लगातार कॉन्टैक्ट में बने हुए थे। जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके हिसाब से किंग्स इलेवन पंजाब और उनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे रिसेंट टीमें थी जिनका इन्होंने मेडिकल टेस्ट लिया था। हालांकि उनका मेडिकल टेस्ट तो नेगेटिव आया था, लेकिन क्योंकि इनका अब जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ चुकी है, तो इसीलिए अब केएक्सआईपी और केकेआर की टीम के ऊपर एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव होने का खतरा मंडरा रहा है। अब बीसीसीआई दोबारा से दो टेस्ट लेने वाली है केएक्सआईपी और केकेआर के, और अगर उसमें कोई भी केस पॉजिटिव आता है तो फिर और ज्यादा दिक्कतें हमें इन दोनों ही टीमों और इवन आईपीएल 2020 के फ्यूचर को भी देखते हुए यहां पर तगड़ा झटका हमें देखने को मिल सकता है। और गाइज, इसके साथ ही बुरी खबरें निकलकर यहां पर आ रही हैं जोश हेजलवुड की साइड से भी, जो कि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने सीएसके की टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही जो आईसीसी के अंपायर्स हैं, जो भी कोविड-19 की सिचुएशन हो रही है उसके वजह से जो इलाइट अंपायर्स हैं वो भी अब आईपीएल 2020 में आने से मना कर रहे हैं। तो बीसीसीआई के लिए कोविड-19 से रिलेटेड एक के बाद एक लगातार काफी बुरी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या कोरोना वायरस की सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए आईपीएल 2020 को रद्द होना चाहिए, या फिर आप सोचते हैं कि क्योंकि इतना खर्चा हो चुका है, इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो फिर बीसीसीआई को अब आईपीएल 2020 को करवाना चाहिए। आप लोग अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताना। तो मैं मिलता हूं आप लोग उससे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।